मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सेना में अग्निवीर भर्ती को लेकर युवक कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। युवा कांग्रेस ने अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया को खत्म कर वापस सेना में पुरानी भर्ती प्रक्रिया बहाल किए जाने की मांग उठाई है। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव मितेंद्र दर्शन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अग्निवीर भर्ती परीक्षा को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया के नाम पर कई युवाओं के साथ छलावा किया जा रहा है। देश का युवा देशभक्ति का जज्बा लेकर सेना में भर्ती होना चाहता है, लेकिन अग्निवीर भर्ती उसका मनोबल तोड़ रही है। आज अग्निवीर सेना से रिटायर होते हैं तो उनके हाथ में सिर्फ 11 लाख रुपए थमा दिए जाते हैं, जबकि पहले सेना में भर्ती जवान को सरकारी रिटायरमेंट के बाद भी मदद करती थी। उन्होंने सरकार से अग्निवीर स्कीम को खत्म करने की मांग की है। ग्वालियर से संवाददाता योगेश बिसारिया की रिपोर्ट। मैं बताना चाहूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल अग्निवीर का सिस्टम में बताना चाहूंगा, पहले जो परमानेंट में हुआ करता था, बंदा रिटायर होके आता था तो उसको, उसके परिवार को, बच्चों को, मम्मी पापा को, सबको मेडिकल फैसिलिटी MH द्वारा और ECHS द्वारा मिलती थी। अभी 4 साल के लिए भर्ती होने जाओगे, वहां से वापस आओगे, 4 साल तक सिर्फ तुम्हारे लिए मेडिकल फैसिलिटी है, रिटायर हो गया हो ना, तुम्हारे लिए भी नहीं है, ये पेंशन है नहीं है, क्या करोगे? 4 साल बाद फिर वही मेला लगेगा, दौड़ना है, पढ़ना है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है सर, क्या बताएं, बताओ मैं। और मेन वो एज बताओ। हाँ, एज का और मैं बताऊँ, पहले टेक्निकल और क्लर्क का एज 23 हुआ करता था, 18 से 23, और अब टेक्निकल और क्लर्क की एज 21 कर दी, 21 क्या 25 कर दी अभी। और एयरफोर्स का बताऊँ, एयरफोर्स में एज 21 इन्होंने करी है, और अभी जो 2025 का बैच निकाला है ना इनने, अभी फॉर्म चल रहे हैं एयरफोर्स के, तो जो बंदा 1 जनवरी 2004 को पैदा हुआ है ना, वो अभी 20 साल का हो रहा है। हमें चलाई है वो बहुत ही खराब स्कीम चलाई है, और वह देश के लिए, देश की सुरक्षा में बहुत बड़ा, सुरक्षा में बहुत घातक सिद्ध हो रही है। एक हम लोग थे जब हम सेना भर्ती होके जाते थे, हमको 1 साल की ट्रेनिंग दी जाती थी, और हम अपना राजस्थान बॉर्डर, जम्मू कश्मीर बॉर्डर और चाइना बॉर्डर, जो 3 बॉर्डर हमारे एक्टिव बॉर्डर हैं, जहाँ पर सुरक्षा देते हैं हम लोग, उनको हम अच्छी तरह सुरक्षा देते थे। लेकिन अभी जो 6 महीने की ट्रेनिंग करेगा जो जो अग्निवीर जा रहा है, वो मात्र 20,000 रुपये में, और हम लोग 45,000 रुपये दिए जाते थे, वो कैसे देश की सेवा कर सकता है? उसको मेडिकल सुविधा नहीं दे रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई की सुविधा नहीं दे रहे हैं, शहीद का दर्जा नहीं दे रहे हैं, जो चीज़ अगर हमें किसी से अगर देश की रक्षा करवा रहे हैं, तो हम जब हमको वो सुविधाएं नहीं मिल रही है, तो हम कैसे देश की रक्षा कर सकते हैं? उद्देश्य ये है कि हमारे बगल में खड़े हुए वो आर्मी के जवान हैं जो भर्ती दे रहे हैं और जिनकी 1.5 लाख में भर्ती नहीं हुई है, वो एक आर्मी मैन खड़े हुए हैं पीछे, जिन्होंने पुराने तरीके से भर्ती की है, और आज वो जानते हैं कि पुरानी भर्ती से उनके उनके परिवार को क्या फायदा है, और आज के नौजवान जानते हैं कि अग्निपथ से उनके परिवार को कितना कष्ट होने वाला है। ये कोई राजनीतिक टॉपिक नहीं है, ये एक राष्ट्रवाद के लिए एक विचार है, एक चिंता है कि अगर 4 साल जो 25% की भर्ती आप कर रहे हो और बाकी 75% को आप निकाल रहे हो, उससे जो पहले 70,000 की भर्ती होती थी, अब जो 40,000 की भर्ती है, तो आपने तो 30,000 लोगों को अनएम्प्लॉयड कर दिया। नंबर वन। नंबर टू, पहले मेडिकल फैसिलिटी दी जाती थी जवान को, आपको पेंशन दी जाती थी, आपको ग्रेच्युटी दी जाती थी, और सबसे बड़ी बात सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्या कि अगर वो सीने पे गोली खाएगा जवान, तो उसको पता है उसकी परिवार की रक्षा करने के लिए देश बैठा हुआ है, और आज वो भावना खत्म हो गई है, जहां पर देश उसके परिवार की रक्षा करने के लिए नहीं बैठा है, वो एक बिजनेस डील दे रहा है कि आपको 11,71,000 रुपीज मिल जाएंगे, इनसे पूछिए इनको वो चाहिए कि नहीं चाहिए।